हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई का रेगा का अल्ट्रा प्रो मैक्स मॉक टेस्ट, ठीक है। और आज जो है आपका लास्ट मॉक टेस्ट हो सकता है, बिकॉज 19 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। तो गाइस, इस मॉक टेस्ट को मैंने ईजी किया है, ठीक है। और ईजी इसलिए किया है ना, देखो अब रियालिटी में बताता हूँ। इतने दिन से तो मैं बोल रहा था इतना हार्डवर्क करो हार्डवर्क करो, इस बार एग्जाम का जो है ना लेवल ईजी आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी जब भी देखा गया कि बच्चे कम फॉर्म फिलअप करते तो थोड़ा सा लेवल डाउन होता है। इंग्लिश तो एकदम लेवल इस बार लो देखने के लिए मिल सकता है आपको, और रगा भी थोड़ी सी लो मिलेगी। तो चलो, मैंने कोशिश किया कि इस बार इस जो लास्ट मॉक टेस्ट को थोड़ा इजी करते हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके उनका। तो इसमें भी अगर खराब मार्क्स आए ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश करना बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें इसके अंदर। और एक आपके लिए मैंने गुड न्यूज़ था, जो मैंने कोशिश किया कि आपको खुश कर सके, आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, या फिर आपकी हेल्प कर सके, जो भी समझ लो इसको। हमारी जो मॉक टेस्ट थी उसको हमने फ्री कर दिया है ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर। इसकी प्राइस थी 149। फिर कुछ बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा और डाउन कर दो, एग्जाम में टाइम नहीं है, तो हमने 70 कर दिया। अब बच्चे कह रहे हैं ना कि ठीक है 70 सही है। तो मैंने कहा आप 70 करने से क्या फ़ायदा भाई, हमको तो कुछ फ़ायदा नहीं है, सच अच्छा तुम फ्री में ले जाओ। हमने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है। वहाँ पे 1 रुपीज़ प्राइस दिख रही होगी, वो भी पे नहीं करना आपको। बिना पे किए सारी मॉक टेस्ट आपको चलेंगी, ठीक है। फिर भी कुछ लोग पे किए जा रहे हैं 1 रुपीज़, क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं फ़ायदा है, वो टैक्स जा रहा है 1 रुपीज़ जो है ना, 1 रुपीज़ वो GST के तौर पे जा रहा है। बट वो पे नहीं करना, बिना पे किए आप सारा का सारा मॉक टेस्ट लगा पाओगे और वीडियो सॉल्यूशन देख पाओगे। ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लगाओ, बेटर रहेगा यहाँ पे। बट गाइज, हमने मॉक टेस्ट को फ्री किया है। हमारी जितनी पेड PDF थी अभी भी पेड ही है, बिकॉज PDF एवर ग्रीन है, रॉक स्टार PDF है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये PDF पूरा पढ़ के जाने के बाद एग्जाम में 70-80% चीज़ें सेम पैटर्न पे हर बार दिखती है, इस बार भी दिखेगी। हमारी वोकैब की PDF जो कि X एंड Y दोनों एग्जाम में काम आएंगे, हमारी मैथ की PDF जो कि Y ग्रुप में काम आने वाली है, हमारी करंट अफेयर GK और रीजनिंग की PDF, हिंदी इंग्लिश दोनों में है सारी PDF, वोकैब की हिंदी भी दे रखी है और मैथमेटिक्स रीजनिंग का सॉल्यूशन भी है। सारे PDFs को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके प्राइस पूछ लो और PDF बाई करके एग्जाम से पहले बना के ही जाओ। एग्जाम के बाद खुद आगे कहोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। चलो फिर जनाब, हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो काजीरंगा, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आप एक चीज़ बताओगे, एक चीज़ मैं बताऊंगा। देखो, काजीरंगा तो वैसे असम में है। ये बहुत ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे। काजीरंगा जो है ना नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, किस एनिमल के लिए फेमस है, ये चीज़ बताओगे आप। फिलहाल ये है असम के अंदर, है ना। आगे देखो, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? देखो, मणिपुर, नागालैंड और असम, इनमें से तीनों में से तीनों कोई भी चाइना के बॉर्डर शेयर नहीं, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते ये लोग। जो करता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको याद हो जाएगा बहुत बढ़िया से। आपने अपनी लाइफ में एक बार ना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सुना हो, सुना है कि नहीं सुना है? बोलोगे नहीं सुना है तो मतलब इसका मतलब आप इंडियन नहीं हो, एलियन हो, आप कहीं और से आए हो, ठीक है। आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र से क्या रिलेटेड है यहाँ पे गाइस, कि मैं कुछ नाम ले रहा हूँ ब्रह्मपुत्र का। देखो, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, डेट इज क्लियर। वो जो है वहां से सांगपो नदी के नाम से निकलता है, और जब निकलता है ना वो, तो होते होते वो मैं बता रहा हूँ, वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू मतलब इंडिया में प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश से ही। अब समझ रहे हो, वो चाइना से होते हुए एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा है ब्रह्मपुत्र नदी। देखो, ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है, चाइना में भी नहीं पड़ता, उसको तो सांगपो कहते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में घुसता है ना, तो वहाँ पे इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, और जब ये असम में घुसता है ना ब्रह्मपुत्र, तो उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो खैर, उतना बताने की जरूरत नहीं थी, जस्ट मैंने आपको बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और एक और क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से ही इंटर करती है इंडिया में, ठीक है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ओके ना। चलो, और अरुणाचल प्रदेश में घुसने से पहले वहां पे एक शिखर है नामचा परबा, उससे मतलब उतर के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। अब जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसका नाम बदल जाता है, सांगपो के बाद इसका नाम बदल जाता है दिहांग के नाम से, ठीक है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया ज्योग्राफी के। आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड ये किस चीज़ से संबंधित है? कुछ लोग कहेंगे फ्लड है, बाढ़ आ गया होगा तो बाढ़ से है। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि बाढ़ कंट्रोल, गलत है। ऑपरेशन फ्लड कुछ लोग कहते हैं मिल्क से, नहीं ये भी गलत है।
कहोगे भाग हमने तो पढ़ा है डेयरी वाला, तो डेयरी विकास से है, ठीक है, मिल्क से आंसर कर देना गलत हो जाएगा, ये डेयरी डेवलपमेंट से, और दोनों लगता है कि सेम टाइप का आंसर है। तो यही गलती एक बार मैंने भी बहुत पहले किया था एग्जाम में, क्योंकि मैंने नीचे पहुंचा ही नहीं, दूध देखे देखते खुश होके मार्ग आंसर चला गया, बाद में पता चला था अच्छा अच्छा है हमारी जिंदगी तो यहाँ पे बर्बाद होने वाली है, डेयरी विकास होगा, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, देखो ब्राह्मणी लिपि ये किस चीज का, अशोक के जितने भी स्क्रिप्ट थे शिलालेख थे वो सब ब्राह्मणी में, तो कुछ खरोस्ती में लिखा हुआ था मेनली जो ब्राह्मणी में थे, तो ब्राह्मणी को सबसे पहले पढ़े कौन पाया था, तो जेन्स प्रिंसेप, ठीक है। अब पूछा जाएगा जेन्स प्रिंसेप तो ठीक है इसने पढ़ा था, अब ये अशोक कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। तो ये मौर्य वंश का एक शासक था और बहुत ही फेमस शासक था, ठीक है, जिसने कलिंग युद्ध के बाद मतलब क्या था ना, उसने वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बहुत ही तरीके से कह लो पहले क्रूर राजा था ये, और बहुत ही मतलब पावरफुल राजा भी था अशोक का, ठीक है गाइस आगे चलते हैं। उसकी जो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मणी लिपि में उसको जेम्स प्रिंसेप पढ़ पाया था। आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये फरवरी में मनाया जाता है 28 फरवरी को, और ये अक्सर एयरफोर्स पूछते रहते हैं। आगे कह रहे हैं हु लिव्स इफ इंडिया डाइज बुक, ठीक है इस बुक है ये, इसको किसने लिखा था, या फिर इफ ये उक्ति किसकी है, मतलब ये वाक्य किसका है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नेहरू का है, ठीक है जवाहरलाल नेहरू का है। अब एक मैथ का क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग मतलब ठीक है स्क्वायर मैंने बोल दिया, तो वर्ग का पेरीमीटर परिमाप बताओ, वर्ग का एरिया क्या होता है, ये चीज आपने पढ़ा होगा, कहोगे सर ए स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू 196 दे रखा है, तो अगर ए स्क्वायर बराबर 196 है, ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 196 बराबर 14, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा एक साइड की वैल्यू 14 सेंटीमीटर हो गई। तो पूछा नहीं आपसे साइड, पूछ रहा है पेरीमीटर बताओ इसका, पेरीमीटर बोले तो परिमाप बताओ, परिमाप बराबर होता है 4 into a, तो 4 into 14 हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं फिर, इसको कह रहा है चार अंकों वाली वह संख्या बताओ जो 15, 25 और 35 में प्रत्येक द्वारा विभाजित करने के योग्य हो, ठीक है, तो चार अंकों की वह संख्या क्या है ना, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी डिजिट फोर नंबर की 9999, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे ना, इस नंबर को ना इनके एलसीएम से डिवाइड दे देंगे, तो एलसीएम आप निकालोगे, ये आपका क्रम है 15, 25 और 35 का, ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड दोगे, इतना हो जाएगा 5357 को मल्टीप्लाई कर लो, जिसकी वैल्यू 525 हो जाएगी। अब 525 से ना 9999 को आप डिवाइड मारोगे, ठीक है, एक बार में मारेंगे तो 525 था ना, मैंने यहाँ पे 552 क्यों लिख दिया, ठीक है 525, और यहाँ पे भी था 525, ठीक है 525 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 4, 474 हो गया। अब ऊपर से 9 ले लो, अब इसको ना 9 बार में डिवाइड कर दो आप, तो हो जाएगा 4725, बच जाएंगे कितने 24। अब ये ना देखो, अगर हम 15, 25 और 35 से अगर हम डिवाइड दे देंगे 9999 को, तो 24 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, एलसीएम निकाल लिया इसीलिए हमने, ताकि सबकी वैल्यू को एक साथ ले सके, तो यहाँ पे 24 बचेगा, तो 9999 में 24 माइनस करा दो, जो वैल्यू मिलेगा अब यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगा, अब ये जो है ना 15, 25 और 35 सबसे डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखो, कह रहे चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो ठीक है वृद्धि होती है, यदि केवल 10% मतलब अपने एक्सपेंस को, जो हमारा एक्सपेंस है उसको 10% सिर्फ बढ़ाएंगे, तो खपत में कितना परसेंट की कमी होगी। सुनो क्वेश्चन समझने वाली चीज़ है, जो क्वेश्चन समझाने में मेरे को जो टाइम लग जाए, बाकी इसका आंसर निकालना ईजी है। देखो मानते हैं चीनी की प्राइस पहले क्या थी, 100 रुपीज, तो हम लोग पे कितना करते थे, 1 kg शुगर के लिए 100 रुपीज पे करते थे, ये 100 रुपीज पर केजी थी, ठीक है, तो हमको शुगर कितना मिलता था ये बताओ, कहोगे 1 kg शुगर मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, अब ना अगर प्राइस हम लोग क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं ना, तो 30% तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, 130 रुपीज पर केजी, समझना यहाँ पे समझने वाली चीज़, अगर 30% उसकी हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो अब उसकी पहले 100 रुपीज थी, तो अब 130 रुपीज हो जाएगी, ठीक है, तो हमको पे कितना, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं ये नहीं पता कि हम कितना शुगर कर रहे हैं,
शुगर बाइकर है वही पूछ रहा है कि कितना आप खरीद रहे हो, खपत में क्या कमी कर रहे हो। तो अब हम ना 130 रुपीज़ नहीं पे कर रहे, अगर हमको 1 kg शुगर लेना होता तो हम तो 130 रुपये पे करते, लेकिन हम अपने प्राइस को पे जितना कर रहे हैं सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं। तो अब हम 110 रुपये को ही, 110 रुपये में ही हम खरीदना चाहते हैं शुगर, तो 110 रुपये में कितना शुगर मिलेगा, तो शुगर कितना मिलेगा 110/130 हो जाता है, ठीक है, जितने रुपए पे करते हो और जो उसकी प्राइस है उसे डिवाइड कर दो। तो हम लोग शुगर कितना बाई कर रहे हैं, 11/30 kg शुगर को हम बाई कर रहे हैं। पहले 1 kg शुगर बाई कर रहे थे, अभी 11/30, तो पहले की अपेक्षा कितना कम किया हमने, तो 1 में से 11/13 को क्या कर लो, माइनस करा लो, और इसको परसेंट में बदलने के लिए 1 × 100 कर लो, परसेंट में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा 2/13 × 100, मतलब 200/13। तो इसको डिवाइड मार दोगे तो मिल जाएगा 15.28, ठीक है। तो अब हम जो है ना कितना खपत कम कर रहे हैं, 15.28% को हम 38 हो जाएगा ना कि 28, 15.38% अपना जो है ना कंजप्शन को हम कम कर ले रहे हैं। तो गाइज ये चीज़ जो है बहुत ही बेसिक सा चीज़ था, मेरे को मेरे हिसाब से ये सभी चीज़ें लिखने वाली कोई चीज़ नहीं थी, ये समझाने के लिए था। आप इतने में ही ना पूरा कंसेप्ट ख़त्म कर देते समझ के समझा के। आगे देखो 10 नंबर कह रहा है, एक व्यवसाय में 20,000 रुपये हम लोग ये ना एक व्यवसाय स्टार्ट करता है, एक बिजनेस करता है, वो 20,000 रुपये लगाता है, ठीक है, ये कहता है कि हम 20,000 रुपये लगाएंगे। अब बी कुछ टाइम के बाद आता है, वो कहता है ले भाई 25,000 रुपये मेरे से ले ले, ओके, सीधे इसने ज़्यादा पैसा दिया कुछ टाइम बाद। और ए और बी का लाभ जो होता है प्रॉफिट 1:2 के रेशियो में होता है, ठीक है। तो बताओ ए और बी के ना इन्वेस्टमेंट का टाइम क्या था, कितने टाइम के लिए, मान लो ए तो शुरू से लास्ट तक लगाया पैसा, बी कुछ टाइम के बाद आया, तो मान लेते ए एक्स ईयर के लिए लगाया, और मतलब या फिर एक्स डेज के लिए लगाया या फिर एक्स मंथ के लिए लगाया, और बी वाई समय के लिए लगाया, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 20,000 × x / 25,000 × y, और ये हमको ना प्रॉफिट मिल रहा है 1:2 में, ठीक है। तो ये 000 कट जाएगा ना 5 के टेबल से 4 बार में, ये 5 के टेबल से 5 बार में, तो x/y = 5/8, मतलब इनका कहना जो अवधि था टाइम था x एंड y का मिल गया 5:8 के टाइम में, ठीक है। उनका जो ड्यूरेशन था, अगर ए 5 महीने के लिए लगाता है तो बी 8 महीने के लिए लगाता है, ठीक है, यही कह रहे हैं हमको, ये चीज़ समझ में आ जा रहा है। तो बी तो भाई पहले वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर रहा है, टाइम भी ज़्यादा दे रहा है, तो उसकी तो प्रॉफिट ऑब्वियसली होगी ना ज़्यादा, ये पूरी दुगनी प्रॉफिट मिल रही है उसको। कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 900 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब समचतुर्भुज क्या होता है भाई, ठीक है, तो 900 मतलब समचतुर्भुज मतलब चारों साइड इसकी समान होती है, मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया था, मेरे को हंसी इसीलिए आया जब मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा था तो उस टाइम सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि समचतुर्भुज क्या होता है, या उनको कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मिले थे मेरे को, ठीक है। ये समचतुर्भुज समझ सकते हो एक टाइप का, ये स्क्वायर है, भुजाओं के मतलब भुजाओं के वर्गों का योग जो है ना 900 वर्ग मीटर है। देखो अब इनका साइड अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा, तो अब डायरेक्टली हमको ए ए नहीं जोड़ना है, ठीक है, इनके साइड्स का स्क्वायर जोड़ोगे ना, स्क्वायर्स को, ए के स्क्वायर्स को, उसकी वैल्यू 900 आ रही है, ठीक है। तो ये 4a² = 900 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 900/4, तो a बराबर क्या हो जाएगा √900/4 = 30/2, मतलब 15। मैं थोड़ा लंबा प्रोसेस ले जा रहा हूँ जानबूझ के ना, ताकि ये PDF में दूँ किस तरीके से मैंने लिख दिया 15 डायरेक्ट, किसी को समझ में नहीं आएगा इसलिए थोड़ा सा लंबा ले गया। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 15 मीटर, वही आपसे आंसर पूछ रहा है कि एक साइड की वैल्यू बता भाई, तो हमने बता दिया उसको, ले पकड़, 15 सेंटीमीटर है। आइए कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु जो है ना 26 ईयर्स है, यदि परिवार में सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 10 साल की है तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। सबसे पहले तो पूरी फैमिली की ना एज क्या है, फैमिली की एज क्या है मेरे को ये बताओ। तो एवरेज 26 है और टोटल 5 लोग हैं तो हो जाएगा 6×25 = 10×3=13, मतलब 180 साल सबका अगर एज जोड़ दें तो। बट गाइज यहाँ पे जब सबसे छोटा वाला इंसान है वो 10 साल का है तो उसको पैदा हुए 10 साल हुए हैं, अगर 5 लोग हैं तो सबका अगर छोटे वाले इंसान का जन्म के टाइम पे
जब जाएंगे तो सबके एज में 10-10 साल घटाओगे, क्योंकि उस टाइम से अब सब 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, तो हम पीछे जाने के लिए तो 10-10 साल पांचों में से घटाएंगे ना, तो छोटा वाला तो खैर 10 साल घटाओगे तो खत्म ही है उसका कहानी, बाकी सब में घटाओगे तो 10-10 घटाओगे पांच लोगों के एज में तो 50 साल, तो 50 साल घटा दोगे आप मिलेगा 80 ईयर्स। तो अब 80 ईयर्स जो है ये चार लोगों का एज है, क्योंकि छोटा वाला तो जस्ट पैदा ही हो रहा है तो उसका एज क्या काउंट करे, तो अब चार लोगों का एवरेज पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है चलो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 13 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 228 282 288 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो इनका सिंपली आप SCF निकाल लो, SCF निकालने आता है तो नहीं आता है तो सीख लो, जिंदगी में काम आने वाला है। ठीक है एक बार में ले जाओगे 228 को, ठीक है ये 54 हो जाएगा 228 से, अब यहाँ पे आप डिवाइड मार दो कितने बार में कटता है, ये हो जाएगा आपका 4 6 16 5 6 20 और 1 21, 4 से डिवाइड मार के देख लेते हैं हम लोग 216। ठीक है यहाँ पे मिल गया कितना 12 12 12 6 48 हो जाएगा 6 12 कट गया। ठीक है अब 6 से डिवाइड मार दो इसको 288 को, 6 6 24 8 6 48 मतलब SCF 6 आ गया। तो इनका जो 6 है, जब भी कहना कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो इतने इतने को कम्प्लीटली डिवाइड मारे तो उनका SCF निकाल देना आंसर आ जाएगा। 14 नंबर कह रहा है इनको जोड़ो सबको, जोड़ने के बाद क्या आएगा, तो खैर मैं इसको सॉल्व करके तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं सॉल्व क्या करूं, डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 158.8873। वीडियो को रोक के ना खुद से जोड़ लो, हमारे आंसर के भरोसे रहने वाले निकम्मे का काम है, पहले खुद से देखो, हर क्वेश्चन आने से पहले वीडियो को पॉज किया करो, खुद से सॉल्व किया करो और तब जाके मेरी सॉल्यूशन को देखा करो, ऐसे नहीं खाली राम कहानी देख रहे हैं, ये मैं रामायण नहीं सुना रहा हूँ ना मैं भारत सुना रहा हूँ, कैसे तब सुने जा रहे हो, एग्जाम में जाना है आपको तो मेहनत आपको करना होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है यदि ट्रेन जो है ना यदि ट्रेन औसतन 48 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, पर आवर की घंटे की स्पीड से जाता है, मतलब एक घंटे में 48 किलोमीटर जा सकता है वो एवरेज स्पीड है उसकी, तो 100 मिनट में निश्चित दूरी तय करती है, तो 40 मिनट में यात्रा को पूरी करने के लिए ट्रेन किस गति से चलना होगा। देखो पहली बात तो अगर स्पीड 48 के हिसाब से थी तो वो 100 मिनट का टाइम लगा रहा था, तो घंटे में चेंज करो 60 से डिवाइड मार के। हमने पढ़ाया था ना आपको S1 × T1 बराबर S2 × T2, ये फॉर्मूला पढ़ाया था speed 1 × time 1, तो स्पीड 2 का आता पता नहीं है, टाइम 2 का है 40 मिनट्स, तो इनको आप घंटे में चेंज कर लो 60 60 की कहानी खत्म, 0 0 कट जाएगा और ये 4 के टेबल से कट जाएंगे भाई 2 टाइम से, तो x बराबर या फिर आप S2 बराबर कह सकते हो 122 किलोमीटर। रुक जा भाई मैं KG लिख रहा हूँ, अभी भी मैं शुगर वाले क्वेश्चन में अटका हुआ हूँ। ठीक है ये S2 बराबर क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, क्लियर है। आगे देखो 16 नंबर है ना, अगर 13 4 26 8 52 7 104 तो फिर अगला सीरीज क्या हो जाएगा, वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पाता हूँ। कह रहा है 13 के बाद 4 लिखा, क्यों लिखा भाई, 13 में 1 और 3 को जोड़ देंगे 4 मिल जाएगा, 26 में 2 एंड 6 को जोड़ देंगे 8 मिल जाएगा, 5 + 2 को जोड़ दोगे 7 मिल जाएगा, 104 में क्या करोगे 1 + 0 + 4 को जोड़ दोगे 5 मिल जाएगा, 5 आंसर है। ये है बेहुदा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है जिसको हम एब्जॉर्ब क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है चलो आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ये कह रहा है किसी देखो ऐसे क्वेश्चन मैं पिछली मॉक में कराया था ना, एक मॉक में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज हो रहा था, कुछ स्टूडेंट टेलीग्राम पर भी पूछे, ग्रुप में भी पूछे, कुछ लोग कमेंट में भी कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसको टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए अभी समझ में आ जाएगा। देखो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ठीक है मान लो ये हमारा है क्या एक्चुअली, ये एक्चुअल ईस्ट होता है, बात समझ में आ रहा ध्यान देना, ये एक्चुअल वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है चलो अगर हम एक्चुअल डायरेक्शन के बारे में बात करें तब, ओके और इसके बीचों बीच ये निकलता है अपना नॉर्थ ईस्ट होता है, ये अपना निकलता है क्या होता है भाई साउथ ईस्ट होता है, ये निकलता है अपना क्या होता है भाई नॉर्थ वेस्ट होता है और ये निकलता है साउथ वेस्ट होता है, ये एक्चुअल डायरेक्शंस है। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कह रहे हैं ना दक्षिण पूर्व अगर उत्तर बना दिया जाए, दक्षिण पूर्व ये है साउथ ईस्ट, अगर इसको हम उत्तर बना दें, देखो भाई यहाँ पे अब इस डायरेक्शन को कह रहा है कि इसको नॉर्थ बना दो, बहुत खूब
ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व क्या था? तो उत्तर पूर्व तो यही था ना, इसको कह रहा वेस्ट बना दो। बहुत बेहुदा वाला काम, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह सभी दिशाएं बदल दी जाती है, तो दक्षिण में क्या होगा? एक बात सुनो, सब दिशाएं बदलने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्थ देखो कहाँ पे आया है, नॉर्थ एक्चुअल होता है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना मतलब डिग्री एंगल चेंज किया है, मेरे हिसाब से चले तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच की वैल्यू 90 डिग्री और इसमें 45 डिग्री, मतलब कुल मिला के 135 डिग्री आगे बढ़ गया है। तो साउथ पे कौन आएगा? साउथ जब यहाँ पे है तो इसके पीछे में 135 डिग्री, जहाँ पे हम वो इस वाले डायरेक्शन पे होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 135 डिग्री होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये चल के साउथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा यहाँ पे साउथ वाले में। बात समझ में आ रहा है? यही एक तरीका है जिसको इजीली हम लोग बना सकते हैं बिना सोचे बिना समझे, मतलब कहते हैं ना एंगल के बेस सवाल को बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो एक इजी सा क्वेश्चन देता हूँ। अतुल उत्तर की ओर जाता है 5 किलोमीटर, नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट उड़ते सॉरी राइट मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर जाता है राइट मुड़ के 5 किलोमीटर। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट के बीच में जो है ना डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? जितना ऊपर वाला होगा उतना होगा, और कितना होगा भाई? 3 किलोमीटर। ठीक है चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। कुवैत दिनार तुर्की, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कुवैत का अगर रिलेशन दिनार के साथ है तो तुर्की का क्या होगा। तो ये तो गाइस आपको पता होगा, पूरा मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था यूट्यूब पे सारे कैपिटल एंड करेंसीज के बारे में। तो लीरा इसका सही आंसर है। आगे चलो, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। रुको रुको रुको, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये जो क्या नाम है इसका भाई, तुर्की जो है ना, इसने अपना नाम चेंज किया रिसेंटली, इसने रख लिया अपना टर्की है, ठीक है, या फिर तुर्की है, जो भी कह लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो समझना होगा। इसने नया नाम अपना रख लिया, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि तुर्की का नया नाम क्या है, तो ये हो सकता है टर्की है। ओके, और इसकी कैपिटल होती है अंकारा, कैपिटल है इसका अंकारा। थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब खराब है मेरी, ज़्यादा थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा कह सकते हो अंकारा। आप नोट करते जाओ हमारी हैंडराइटिंग से क्या करना है आपको, बाकी आप सुनो और लिखते जाओ, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। आगे है आर एस टी को अगर हम 18, 19 और 20 लिखते हैं तो हम जी एच आई को क्या लिखेंगे? देखो आर का मतलब है कि 18, कैसे? आर अल्फाबेट में 80 नंबर पे आता है, एस 90 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। तो वैसे जी जो होता है कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है, और एच 8 नंबर पे आता है, और आई 9 नंबर पे आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 21। देखो अगर इसके अंदर हम बात कर लेना, देखो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है ना, इस डायग्राम में कह रहा है कि एम का जो है ना अपोजिट क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो ये, एम जब यहाँ पे है, मैंने डाइस पढ़ाया था, तो एक पोजीशन छोड़ दो आगे की तरफ कौन सा है? क्यू। तो क्यू इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? क्यू इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखोगे आप। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने। देखो बहुत सारे विद्वान लोग होते हैं एग्जाम में क्या करते हैं ना, काउंट ही नहीं करते, कहते जो सबसे ज्यादा है ना उसको आंसर कर दो, 14 सबसे ज्यादा रहे तो 14 आंसर कर दो, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा वाला एक है, एक, ठीक है, एक हो गया। इसके अंदर चार हैं, मतलब ये 1, 2, 3, 4, मतलब ये चार और प्लस एक बड़ा वाला 5 हो गया। इसके अलावा देखो ये हो गया आपका पूरा यहाँ से 6, एक हो गया इस साइड 7, ठीक है, एक हो गया आपका इधर 8, और एक हो गया ये वाला 9। तो कुल मिला के 9 यहाँ पे जो है ना रेक्टेंगल्स हैं। तो रेडी रहना, कुछ लोग कह देते हैं अंड बंड कुछ भी आंसर कर देते हैं कि जो बड़ सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू उसको कर दो, हर बार वैसा नहीं होता। आगे देखो कह रहा है कि प्लस का मतलब कुछ है, माइनस का मतलब कुछ है। प्लस का मतलब गुणा है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है, और डिवाइड का मतलब माइनस है। तो ये जो वैल्यू है ना इसको सॉल्व करो, ठीक है, 20 है ना कि 28, तो 20 को क्या करोगे? माइनस है ना, तो माइनस को प्लस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड 4, और डिवाइड के जगह पे माइनस कर लो 3, और प्लस के जगह पे क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है 2, ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा और हो जाएगा ये 22, और ये माइनस कर लो 6, जो वैल्यू मिलता है आपका आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू मिलता है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो वो वैल्यू जो मिल रहा है आपका वो आंसर है ही नहीं यहाँ पे। तो कितनी बढ़िया बात है ये, हमने शायद कुछ बेवकूफ़ी कर रखा होगा इस सवाल के अंदर। ओके चलो, अच्छा देखो बेवकूफ़ी करा है क्या हमने, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं 28 लिख रहा हूँ, रुक जा, यहाँ पे होना चाहिए था 22 ना, ठीक है 22 में से 6 हटा लो, मिल जाएगा आपको 18। चलो ठीक है, करेक्ट आंसर 16 हो गया, 18 नहीं, ऑप्शन नंबर ए पे इसका सही आंसर है। ठीक है, कभी कभार मैं बोल देता हूँ जो दिमाग में चल रहा होता है, ऑप्शन मैंने देखा 18 और मुंह से निकल गया 18, एक्चुअल आंसर था इसका 16। ठीक है चलो, ये ऑप्शन पे जब नज़र किया ना तो पहले एक्चुअली डायरेक्टली 18 पे निकल गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखो, मोतियाबिंद, ठीक है, इसका जो है आई से रिलेटेड है, तो निमोनिया कहाँ से रिलेटेड, निमोनिया में क्या होता है, जनरली बच्चों को जुकाम वुकाम होता है, तो जुकाम हमारे शरीर में होता है वो कहोगे सर नाक से होता है, नहीं नाक से नहीं होता, वो होता है हमारे फेफड़ों से संबंधित, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मोतियाबिंद में आपके आई आई में डिजीज होती है, वैसे निमोनिया में क्या होता है आपके लंग्स में, आपके तो लंग्स में नहीं बच्चों के लंग्स में डिजीज होते हैं। आगे देखो 25th नंबर में क्या है ना, कि अगर 329 को लिखते हैं गॉड इज लव, गॉड इज लव, ठीक है, 927 का मतलब होता है लव इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो फिर गॉड का मतलब बताओ क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये, इसके अंदर इज है, इसके अंदर भी इज है, दोनों के अंदर टू है, दोनों के अंदर टू है, क्लियर, इसके अंदर गॉड है, अब इसके अंदर गॉड नहीं है, इसके अंदर देखो लव है, इसके अंदर लव है, दोनों के अंदर 99, 2299 है, 2299 काट दो बच्चा, इसमें गॉड का मतलब 3, इसमें ब्यूटीफुल का मतलब 6, तो गॉड का मतलब 3 हो गया, 7 था ब्यूटीफुल का मतलब, तो ब्यूटीफुल पूछ नहीं रहा है, गॉड पूछ रहे, तो गॉड का मतलब हो गया ये। ओके जनाब, तो ये इसका सही आंसर है। 26 नंबर कह रहा है कि संजीव अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन संजीव, सबसे ज्यादा नंबर मिलता है उसे। राहुल ने निर्भय से ज्यादा अंक लिया लेकिन समीर से कम आया, तो समीर से ना वो कम नंबर लाया, कौन, राहुल, लेकिन निर्भय से ज्यादा नंबर लाया वो। फिर क्या कह रहा है, अर्पित ने राहुल से अधिक स्कोर किया, ठीक है, और अर्पित ने जो है ना राहुल से अधिक स्कोर किया, तो थोड़ा सा ये समीर और अर्पित के बीच में, समीर और राहुल के बीच में अर्पित आ सकता है। ओके तो फिर पूछ रहे ना कि पांचों में फोर्थ रैंक क्या है, मान लो 1 2 3 4 राहुल चौथे नंबर पे, बस आंसर कर दो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। इसका कह रहा है मेरा रिमेज बताओ, तो कल ही नॉन वर्बल पढ़ाया था मैंने, उसका एक पार्ट है मेरा रिमेज भी देता है, इसमें वो नॉन वर्बल के सीरीज वाले क्वेश्चन मैंने कम डाले हैं, रीजन क्योंकि नॉन वर्बल पे स्पेशल क्लासेस मैंने बना दी थी, मेरा इसको बनाने का पर्पज था इजी। तो ये जो ट्रायंगल है वो अब राइट साइड में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हम 3 को क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज इसका ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, जो कि वाटर मिरर के अंदर होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, बाकी 1 और 3 तो ऐसे नहीं होंगे, बिकॉज दोनों लेफ्ट लेफ्ट में है इनके ट्रायंगल, ठीक है। 28 नंबर देखो, अगर नीला को गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ है लाल, और लाल का अर्थ है सफ़ेद, तो हल्दी का रंग कैसा होगा, तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा, हल्दी का रंग बोलोगे येल्लो होता है, तो येल्लो कर दो, नहीं येल्लो को क्या कहा गया है, पीला का अर्थ है लाल, तो हल्दी का मतलब होगा रेड। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे नहीं लाल को तो सफ़ेद कहा गया, तो सफ़ेद कह दो, ऐसा नहीं होता है, जिस चीज़ का पूछ रहा है हल्दी का रंग, हल्दी का रंग क्या होता है, येल्लो, अब येल्लो को जो चीज़ कहा जाएगा बस उसी को आंसर कर दो, तो येल्लो का मतलब क्या है, येल्लो का मतलब होता है रेड, तो रेड ही आंसर करो। आई कह रहा नीचे दिए गए शब्द में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा सही होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करो, सबसे पहले देखो इसमें डब्ल्यू के बाद ए है, डब्ल्यू के बाद आर है, आई है, ओ है, एंड ए है, तो पहले ए आता है कि बाकी सब, तो ए आता है, अब ए के बाद इसमें एस है और इसमें ए के बाद आर है, तो ऑब्वियसली 5th नंबर पहले आएगा, फिर एक हो जाएगा, तो 5-1 से ए में स्टार्ट है और 5-1 से सी में स्टार्ट है, तो इसके एंड में 2-4 है और इसके एंड में 4-2 है, तो 4 आएगा पहले कि 2 आएगा, ये चीज़ देख लो आंसर कर लो, 4 आएगा पहले कि 2 आएगा, तो W के बाद R है और इसमें W के बाद O है, तो पहले O आता है कि R, तो पहले O आता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पहले 4 आता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कतार में एक लड़कों की एक कतार में अनिल जो है लेफ्ट से कह रहा है 15th नंबर पे है, और विकास राइट से कह रहा है ना 7th नंबर पे है, और दोनों अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं ना, तो फिर विकास राइट से 15 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो कतार में कुल कितने बालक हैं, तो क्या करते हो, एक अनिल और विकास का नया वाला का दोनों को जोड़ दो, हमने ये ट्रिक पढ़ा था, 15 प्लस में 15 30 है स्टूडेंट, कहोगे 30 लड़के नहीं, अब विकास को 2 बार काउंट किया गया, तो एक बार विकास को हटा दो, कुल मिला के 29,
एक बार जो देखो क्या करते हैं ना कि अनिल का जो एक बार वैल्यू दे रखा है और विकास का दो बार, तो जो नया वाला जिसका दो बार दे रखा है उसके नए वाला वैल्यू को और दूसरे बंदे को जोड़ दो जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, और जिसको दो बार रिपीट किया उसमें से एक माइनस कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जाओ टेस्ट सीरीज लगाओ फ्री में टू जेड स्टडी आप डाउनलोड करके, और पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787, और एग्जाम से पहले फोड़ दो एग्जाम को बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।